झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने की बात नहीं है, मैं नहीं आना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में जाना नहीं चाहता, अपनी पार्टी है। और हम हेमंत जी को यही कहेंगे कि आप अगर गलत करेंगे तो सबसे पहला विरोध खत यानी झारखंडी पार्टी करेगी कि भाई आप इस मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज ना करें, तमाम लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, बूस्ट अप करें हेमंत जी को। जल्दबाजी नहीं सर, इसको और पहले करना चाहिए था। जैसे हेमंत जी सत्ता संभाले इसी बुनियाद पर इनको आगे बढ़ना चाहिए था। हथियार आधारित होनी चाहिए थी, नियोजन उसके आधार पर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, हम सम्मान करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम 32 की बात बोल दिए और भूल गए, इस पर पहल नहीं किए, इसको लेकर आगे नहीं बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत, मैं हूं सोनू कुमार पांडे। 1932 खतियान काफ़ी अभी सुर्खियों में चल रहा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। आपका जो सपना था वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है, क्या कुछ खुश हैं अभी आप? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। और इस दिशा पर ये हमारी यहाँ जो सत्तासीन सरकार है उसके द्वारा पहल किया गया है, परंतु सपना तो तभी पूरा होगा जब ये कंप्लीट होगा, कंक्लूड होगा, ये पूरी धरातल पर उतरेगा। खतियान के आधार पर हमें पहचान मिल जाएगी जिसे हम स्थानीय नीति कहते हैं, खतियान के आधार पर हमें हमारा नियोजन हो जाएगा, हमारे यहाँ के तमाम लोगों को जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हमारे जो बच्चे हैं उन तमाम लोगों को जिस दिन रोज़गार मिल जाएगा उस दिन हमें खुशी मिलेगी। तो आज हमारा एक शुरुआत है, पर हम इसे बधाई देते हैं इसको लेकर हमारे यहाँ पर सत्तासीन सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को जी। तो आपने पार्टी यही सब रीजन की वजह से आपने पार्टी छोड़ी थी जी, तो क्या अब आपका पार्टी में वापस जाने का संभावना है कुछ? जी बिल्कुल सही कहा सर कि इसी मुद्दे को लेकर हमने एक महीने का आग्रह किया था कि यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ और नहीं तो फिर नहीं हूँ। तो उस वक्त इनकी जो सोच थी शायद उस वक्त नहीं रही होगी, और आज के समय में इन्होंने ये इस विषय को लेकर पहल किया है तो अच्छी बात है और हम काफ़ी खुश भी हैं। परंतु ये सर झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने की बात नहीं है, मैं नहीं आना चाहता हूँ। नहीं जाना चाहते हैं मतलब साफ तौर पे आपका मना है? चूँकि सर मना नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के खतियानियों ने सर एक पार्टी का सृजन किया है, खतियानी झारखंडी पार्टी, तो सर उसकी भी अपनी उम्मीदें हैं, उनके सोच है, और इस पार्टी इसी निमित्त आगे बढ़ रही है कि हमारे झारखंड का बेहतरी हो। तो सर इसलिए हमारे अपनी पार्टी है और हम हेमंत जी को यही कहेंगे कि आप अगर गलत करेंगे तो सबसे पहला विरोध खतियानी झारखंडी पार्टी करेगी, यदि आप कुछ बेहतर करेंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा हम प्रशंसा भी करेंगे, आपको उत्साहवर्धन भी करेंगे, लेकिन गलत का विरोध सर हमारी खतियानी झारखंडी पार्टी करेगी। हम आपका आईना बनना चाहते हैं, आपकी पार्टी में जाना नहीं चाहते। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है राज्यपाल ही खारिज कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं मामला? ये तो सर बात की बात है, और राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि आज जो भी दल के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर राजसूक के लोग हैं, कहीं ना कहीं सर इन तमाम दलों के द्वारा ही हमारा झारखंड संचालित हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, भारतीय जनता पार्टी, राजसूक और जो भी संगठन है सर। तो हम ये कहेंगे कि आप तमाम लोग अगर लग जाएं इस निमित्त कि ये हमारी पॉलिसी बेहतर बनकर धरातल पर उतरे, तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, ना किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़े, ना ही किसी को उसका विरोध करने की आवश्यकता पड़े। तो हम सबों को आग्रह करते हैं सर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई आप इस मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज ना करें, तमाम लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, बूस्ट अप करें हेमंत जी को। नहीं तो मतलब जिसके मन में जो आशंका है कि नहीं लागू होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक जाएगा, उसको आप कैसे आप समझाना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है सर, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नवी अनुसूची को लेकर जो इन लोगों ने अपना प्रस्ताव लाया है, तो सर नवी अनुसूची में होता क्या है? उसमें होता है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी नियम, किसी नीति के खिलाफ में, जो कि राज्य बनाती है, उसके खिलाफ में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये है सर। तो
आने वाले दिनों में ऐसी नौबत ना आए, बेहतर प्रारूप बने ताकि किसी को तकलीफ नहीं हो। तकलीफ की बात तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि किसी को तकलीफ माननी भी नहीं चाहिए। तकलीफ तो होगी सर कोल्हान वाले के, कोल्हान की जो बात कर रहे हैं सर, तो कोल्हान में चूंकि 32 का नहीं है खतियान, तो वहाँ पर सर बाद में सर्वे हुआ है। जब बाद में सर्वे हुआ है तो हम ये कहना चाहते हैं ये 32 को एक आधार बनाया गया है। अगर जहाँ पर 32 में नहीं हुआ या फिर 32 के पहले या फिर बाद में हुआ है तो उसको वैकल्पिक जो हम विकल्प कहते हैं, तो उस तरीके से उसे भी हमारे यहाँ की झारखंडी होने का गौरव प्राप्त हो, उसको एक मौका दिया जाए, उसको मौका दिया जाए, चूँकि वो भी हमारे इस प्रदेश के हैं। ये अलग बात है कहीं पर पहले सर्वे हुआ कहीं पर बाद में हुआ है, लेकिन 32 की बात इसलिए लोग करते हैं क्योंकि 32 में हमारे मैक्सिमम सर्वे हुए हैं। कुछ फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, फ़ोटो वायरल क्या हो रहे हैं, मतलब फ़ोटो आ रहे हैं कि बन्ना गुप्ता जी खुश नहीं है, उनके चेहरे पे उदासी था। और यहीं रांची के विधायक CP सिंह जी भी बोले कि वो बन्ना गुप्ता जी खुश नहीं है। और भी कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बन्ना गुप्ता इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये सारी बातें सर ये नहीं होता, बेवजह तूल देने की बातें। अब CP बाबू जानते हैं कि बन्ना जी के मन में क्या चल रहा है और CP बाबू पढ़ के बोल देते हैं, बताइए। तो ये सारी चीज़ें होती थी पहले, लोग हमारे साधु महात्मा लोग करते थे। अब यदि ये साधु महात्मा अंतर्यामी बन गए, भगवान बन गए हैं तो अच्छी बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई किनके मन में क्या चल रहा है सर, अभी आपके मन में क्या चल रहा है हम बता सकते हैं, या फिर मेरे मन में क्या है आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए ऐसी बेकार की बातें हैं। बन्ना जी भी इस राज्य के हैं, मतलब इस राज्य में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और फिर एक जिम्मेवारी के साथ में आज सरकार को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, मंत्री पद पर हैं, तो उनकी उपस्थिति में सारी चीज़ें हुई हैं। तो फिर हम नहीं समझते हैं कि कोई किसी को तकलीफ है। सर सरकार जल्दबाजी तो नहीं ना की है? कोई जल्दबाजी नहीं सर, इसको और पहले करना चाहिए था। जैसे हेमंत जी सत्ता संभाले इसी बुनियाद पर इनको आगे बढ़ना चाहिए था। चूँकि आप जानेंगे सर कि जितने भी सभाएं हुई चुनाव के पूर्व, उन तमाम सभाओं में हेमंत जी के द्वारा कहा गया है कि जैसे हम सत्ता को संभालेंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे। तो जैसे ये सत्ता में संभाले उसके बाद ही इन सारी प्रक्रिया में उसको आगे बढ़ जाना चाहिए था। और तमाम नियुक्तियों में जो भी नियुक्तियाँ उस समय से लेकर अब तक हो गई हैं, उन सारी नियुक्तियों में तो सर खतियान आधारित होनी चाहिए थी, नियोजन उसके आधार पर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, हम सम्मान करते हैं। तो 1932 यहाँ से तो पास हो गया, अब आगे का क्या है सर? इसलिए तो हमने कहा कि मजदार में छोड़ना नहीं है हेमंत जी को, कि ऐसा नहीं कि हमने नाम दे दिया और नाम देने के बाद में आपको धक्का मार के भगा दिया घर से अपने बच्चे को, तो ये नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से कैसे धरातल पर उतरे उसका एक प्रयास होना चाहिए। और धरातल पर उतरने के बाद हमारे यहाँ के जो लोगों को जो आज तक सर अपने हक अधिकार से वंचित हैं, उसे कैसे हम बेनिफिट दिलाएं, उसे कैसे हम नियोजित करें ताकि हमारे घर घर में खुशहाली आए, हर एक घर में रोज़गार उपलब्ध हो, तो सर इसका प्रयास करना है इन्हें। अब ऐसे नहीं कि हम 32 की बात बोल दी और भूल गए, इस पर पहल नहीं किए, इसको लेकर आगे नहीं बढ़े। कहीं ये वोट बैंक तो नहीं है? सर वोट बैंक हो या फिर कुछ भी हो, कुछ तो सर बेहतर है जो कि हमारे लोग बरसों से सोचते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जो भी है अच्छा हो रहा है और बेहतर चीज़ों के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे विरोधी दल वाले हों या फिर सत्ता संभालने वाले दल हों, चाहे फिर कोई संगठन का हो या फिर कोई निर्दलीय विधायक हो, तमाम लोगों को, BJP वालों को, राजद वालों को, RSS वालों को, JMM वालों को या फिर अन्य संगठन कांग्रेस वालों को, तमाम लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन विनती सब करते हैं सर कि आप लोग इस मुहिम में आगे बढ़िए इस साफ नीयत के साथ में। और इसको कैसे हम यहाँ पर धरातल पर उतारें इसकी चेष्टा करें। खतियानी पार्टी और आगे क्या क्या करेगी? खतियानी पार्टी हमेशा ही गलत चीज़ों का विरोध करेगी, अच्छे चीज़ों में सहयोग करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।